तो दोस्तों पिछले कुछ दिनों में आपने एक नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, स्पर्श। आखिर ये स्पर्श सिस्टम क्या है और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज है और आपके लिए स्पर्श सिस्टम के द्वारा क्या क्या लाभ मिल रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या फैसिलिटीज मिल रहे हैं, और अंत में आपको मोबाइल पे डेमो देके दिखाएंगे कि इस स्पर्श सिस्टम के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर, अपने बिस्तर पर बैठकर किस तरह से अपने पेंशन से रिलेटेड सारे बेनिफिट ले सकते हैं। इन चार टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो लाइक करके हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों के साथ में, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों स्पर्श सिस्टम के माध्यम से आप अपने घर पर बैठकर, अपने बिस्तर पर बैठकर, अपने मोबाइल से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, आपके पार्ट ऑर्डर और रुके हुए बेनिफिट्स के बारे में शिकायत कर सकते हैं और निश्चित टाइम में उसका पूरा परिणाम भी जान सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी पेंशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब आप अपने घर पर बैठकर सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्पर्श सिस्टम क्या है। स्पर्श का पूरा नाम बनता है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन से तीन अक्षर ले गए हैं SPA और रक्षा से तीन अक्षर ले गए हैं RSH। इन छह अक्षर को मिलाकर इसका पूरा नाम बनता है स्पर्श। 2017-18 के बजट की स्पीच के दौरान पैरा नंबर 126 के अंतर्गत डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की गई थी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि DBT के बारे में बात की गई थी, कम सरकार ज्यादा शासन के बारे में बात की गई थी। इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ये स्पर्श सिस्टम लाया गया है और इस स्पर्श सिस्टम को PCDA इलाहाबाद प्रयागराज के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया गया है। आपने देखा होगा कि काफी हमारे जो पेंशनर भाई हैं उनके PPO नंबर नए आ चुके हैं और काफी हमारे पेंशनर भाई हैं उनकी पिछले महीने 25 तारीख को ही पेंशन आ गई है और कुछ पेंशनर्स भाइयों की पेंशन अभी तक नहीं आई हुई है। तो इसका सीधा मतलब ये बनता है कि जिन भाइयों की पेंशन अभी तक नहीं आई है उनके डेटा जो है स्पर्श सिस्टम में एडमिट किया गया है और जिनकी पेंशन आ चुकी है उनका डेटा अभी तक स्पर्श सिस्टम में ट्रांसफर नहीं किया गया है। ये स्पर्श सिस्टम के अंदर टोटल पेंशनर्स भाई जो डिफेंस से बिलोंग करते हैं, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, नॉर्मल पेंशनर हो या डिफेंस सिविलियन पेंशनर हो, उन सभी का डेटा अभी स्पर्श में ट्रांसफर किया जा रहा है। फेस वाइज इनको ट्रांसफर किया जाएगा, जिनका डेटा अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है अगले फेस में, उसके बाद अगले फेस में सभी के डिटेल्स जो है स्पर्श सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा और नए PPO नंबर्स भी आपको दिए जाएंगे। पहले क्या होता था कि जो हमारी पेंशन सिस्टम थी वो PCDA के द्वारा सैंक्शन किया जाता था पेंशन, उसके बाद CPPC यानी कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सेंटर्स जो होते थे बैंक, उनके द्वारा हमको पेंशन दी जाती थी। इसमें काफ़ी सारे फौजी भाइयों को, पेंशनर भाइयों को कई प्रकार की अलग अलग दिक्कतें आती थी, किसी के पेंशन रुक जाते थे, किसी की फैमिली डिटेल्स के बारे में प्रॉब्लम आती थी, किसी एक सर्विसमैन की डेथ हो गई तो उसके बारे में उनकी फैमिली पेंशन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। इन सभी प्रॉब्लम्स को अब आपको झेलना नहीं पड़ेगा। स्पर्श सिस्टम के माध्यम से किसी भी पेंशनर का सीधा कॉन्टैक्ट अब PCDA के साथ होगा और आपकी सारी समस्याओं का निवारण सीधा PCDA के द्वारा हैंडल किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। इस स्पर्श सिस्टम के द्वारा क्या क्या काम होंगे एक नजर मार लेते हैं। इंटीमेशन एंड सैंक्शन, जो भी नए पेंशनर आएंगे उनका इन्विटेशन होगा और उसकी पेंशन को सैंक्शन करेगी स्पर्श सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन और रिविजन किया जाएगा, मतलब पेंशन देना और उसे रिविजन करना, ये सारा काम अब स्पर्श सिस्टम के माध्यम से होगा। और पेंशन से रिलेटेड सर्विस और शिकायतों का मैनेजमेंट भी स्पर्श के माध्यम से किया जाएगा। आपको इसके द्वारा क्या क्या फायदा होगा कि अगर मान लीजिए कि आप लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करना चाहते हैं तो इसका आइडेंटिफिकेशन भी स्पर्श सिस्टम से आपके घर पर बैठकर होगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से अपने ही घर पर बैठकर स्पर्श पोर्टल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर पाएंगे और पेंशनर की प्रोफाइल मैनेज इस सिस्टम के द्वारा की जाएगी। आपके जितने भी प्रोफाइल्स डिटेल है, आपकी जो सिट्रोल है उसमें सारी डिटेल्स है, आप अपने मोबाइल से ही आप उसका व्यू कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और कोई तकलीफ होने पर आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं और ये निश्चित समय में आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आपको पूरा फीडबैक भी दिया जाएगा। इसके अलावा पेंशन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले क्या होता था कि रिकॉर्ड से आप संपर्क करते थे, PCDA से संपर्क करते थे, पेंशन अदालत में अपना केस दायर करते थे, उसके बाद भी आपको उसका निवारण नहीं मिलता था, लेकिन अब
इस पर्स सिस्टम के माध्यम से आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से अपनी सारी समस्याओं को अपडेट करेंगे और निश्चित समय में आपके पेंशन से रिलेटेड सारी समस्याओं का निवारण भी किया जाएगा। तो बीच का जो सिस्टम है वो सारे सिस्टम को हटा दिया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप आसानी से अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं और इस पर्स सिस्टम में बहुत सारी ऐसी सर्विस दी गई है जिसके माध्यम से आप बहुत ज्यादा फैसिलिटी ले सकते हैं और आपको कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आपकी मेहनत बचेगी, आपका समय बचेगा और आपकी समस्या का परफेक्ट निवारण आएगा। तो मोबाइल के ऊपर चलते हैं और आपको मोबाइल से मैं डेमो दूंगा कि किस तरह से आप इस पर्स सिस्टम का पूरा फायदा उठा सकते हैं, हर एक टाइप की फैसिलिटी आप किस तरह से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हम PCDA की वेबसाइट पर आ चुके हैं। इसमें हमने पर्स पोर्टल को खोल दिया है। यहाँ पर आपके पेंशन से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली डिटेल से रिलेटेड हो या आपकी पेंशन से रिलेटेड कोई शिकायत हो, सारी चीज़ें एक ही विंडो से सिंगल क्लिक में आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली मेनू वाइज दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 3 लाइन दिखा हुआ है, आप इस 3 लाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे मेनू खुल जाएंगे। इसमें देखिए तीसरा मेनू है सर्विसेज। इस सर्विसेज पे क्लिक करने पर आप यहां पर देख पाएंगे कि प्री रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की जो कार्रवाई होती है उस समय में आपको यहां पर क्या क्या देखने को मिलेगा, जो पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन, आपका क्या क्या डाटा हुआ है, किस चीज का आपने क्लेम किया है, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। ट्रैक पेंशनर क्लाइम, तो पेंशन के अबाउट जो भी आपने क्लाइम दिए हुए हैं वो सारी चीजें यहां से आप ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंडली पोस्ट रिटायरमेंट के बारे में यहां पर दिखाया गया है, तो प्रोफाइल, जो पेंशनर की प्रोफाइल है उसका व्यू आपको यहां पर मिलेगा। आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करने से डायरेक्टली आपका अपडेट भी हो जाएगा। और अगर आप फैमिली के बारे में या अपने डिपेंडेंट्स की डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाएगी। यहां पर करना क्या होगा, जो भी चीज आपको रिक्वायर है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, वहां पर आपको लॉगिन मांगा जाएगा। आपके नए PPO नंबर आपने वहां पर डालने हैं, कैप्चा कोड डालने हैं और आपकी जो कंप्लेंट है, जो चीज़ आप अपडेट करना चाहते हैं वो हो जाएगी। उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट है, ट्रैक ग्रीवेंस, यानी कि आपने जो शिकायत की है वो कहाँ तक पहुँची है उसको आपने ट्रैक करना है, तो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके नीचे जो पेंशन का ये दिया हुआ है कॉलम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर आप अपने इंटाइटलमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। पेंशन स्लिप हर महीने हमको चाहिए होती है, वो पेंशन स्लिप आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए काफ़ी भाइयों को चक्कर काटने पड़ते हैं और बैंक हमें मना कर देती है, तो वो पेंशन स्लिप भी यहाँ पर मिल जाएगी। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, फॉर्म्स है, वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पेंशन जाने के बाद में इनकम टैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो भी यहाँ पर से आपकी सॉल्व हो जाएगी। लास्ट में ग्रीवेंस, यानी कि आपकी जो भी शिकायतें हैं वो शिकायत यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो इसमें लिखा हुआ है रेज ग्रीवेंस, यानी कि आप यहाँ से शिकायत कर सकते हो। आइडेंटिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो, आपका लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ से डायरेक्टली ये फर्स्ट वाले मेनू से आप अपलोड कर सकते हो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नीचे फॉर फैमिली दिया हुआ है, इसमें अगर मान लीजिए कि किसी एक सर्विसमैन की डेथ हो गई या फैमिली में किसी सदस्य की डेथ हो गई तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। कोई मिसिंग पर्सन है उसकी रिपोर्टिंग आप यहां से कर सकते हो। और इनिशिएट जो फैमिली पेंशन है उसके बारे में आपको कोई भी क्वेरीज है तो इसका उपयोग यहां से कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सुविधा है। नेक्स्ट मेनू में जाएंगे, देखिए पेंशन ऑर्डर्स एंड इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। मीडिया में दिया हुआ है, पर्स प्रिंट, प्रेस रिलीजेड और गैलरी, जो भी पर्स के बारे में है, नए ऑर्डर्स है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। और कॉमन प्रॉब्लम्स आपकी क्या क्या है, देखिए DR के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, फिक्सेड मेडिकल अलाउंस के बारे में, अगर किसी को प्रॉब्लम है जो मेडिकल अलाउंस नहीं मिल पा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। कम्यूटेशन टेबल, जो आपके कम्यूटेशन से रिलेटेड आपको कितना कम्यूटेशन मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी नए ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके नीचे एक कॉन्टैक्ट एट सपोर्ट का कॉलम दिया हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा PCDA से संपर्क कर पाएंगे। नीचे है इसका कॉन्टैक्ट नंबर और ये सारा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, जिससे आप डायरेक्ट PCDA से मोबाइल पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। इसके अलावा सर्विस सेंटर लोकेटर है, जिसमें कि आपके नज़दीक में कोई पर्स के सर्विस सेंटर है तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल यहां से निकाल सकते हैं।
और नीचे FAQ है जिसमें कि कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चन के निराकरण आप देख सकते हैं वहां से। तो दोस्तों इतनी सारी अच्छी सुविधाएं सिर्फ एक ही सिंगल विंडो से आपको मिलेगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें यहां पर मिलेगी। बस आपका एक नया PPO नंबर और आपका लॉगिन एक बार हो जाए, उसके बाद आप सारी कार्रवाई यहीं से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसान तरीके से आप अपने मोबाइल से अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। बस इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट होना अभी बाकी है, फेस टू फेस ये इम्प्लीमेंट होगी और उसके बाद में आप डायरेक्टली अपने आप से सीधा PCDA के संपर्क में आएंगे और अपनी सभी समस्याओं का निवारण पा पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है। इसके अलावा आप SBI में वीडियो कॉल के द्वारा किस तरह से अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने घर से ही अपलोड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमने डिटेल वीडियो बनाया है। वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। और ये स्पर्श सिस्टम बहुत ही अच्छा माध्यम है सभी पेंशनर, डिफेंस पेंशनर भाइयों के लिए, जिससे कि आप अपनी समस्याओं को आसानी से निवारण कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं, अपनी मेहनत बचा सकते हैं और चक्करों से बच सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसकी अच्छी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।